हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनूप। दोस्तों, आज हम लेकर आए बॉक्स ऑफिस स्पेशल। पिछले हफ्ते फ्राइडे को तीन फिल्में रिलीज़ हुई थी, तीनों बिल्कुल की बिल्कुल कोई बड़ी कलेक्शन नहीं किया, जिसका मतलब है गुड न्यूज़ को फिर फ़ायदा हुआ। आइए हमारे वाइज मैन से पूछते हैं गुड न्यूज़ के कलेक्शन के बारे में, उनको क्या लगता है और कहाँ तक जाएगी। बॉबी जी, वेलकम टू बॉलीवुड वाला, योर प्रेडिक्शन इज प्रूविंग टू बी एब्सोल्युटली राइट। यस, क्रॉस्ड 150 crores, गुड न्यूज़। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा था 150 करोड़ तो आराम से क्रॉस, 200 करोड़ तक जानी ही चाहिए। अगर ये चार दिनों में और 23 करेंगे, 23 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा तो आई थिंक 185 हो जाएगा। ओके, और बाकी दो वीक में 15 करोड़ तो कर ही देगी, तो आई थिंक इट शुड क्रॉस 200 crores. लास्ट हफ्ते जो फिल्में रिलीज हुई थी, शिमला मिर्ची, बंगड़ा पाले और सब कुशल मंगल है, कुछ कोई फिल्में देखी आपने? मैं फिल्में देखने आया था, तीनों फिल्मों का शो कैंसिल हो गया था। क्या बात कर रहे हो सर? इमेजिन, रमेश सिप्पी की पिक्चर वो मेड द इंडियाज बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर टिल डेट शोले, उनकी पिक्चर का शो कैंसिल हो गया। मैं सरप्राइज, दो नो बड़ी इन द थिएटर। सब कुशल मंगल है, उसका भी शो कैंसिल हुआ, और भांगड़ा पाले तो है ही नहीं इधर, तो देयर वाज नो शो फॉर ऑल दीज थ्री मूवीज। तो आई थिंक द ऑडियंस वेंट टू वॉच गुड न्यूज, तो गुड न्यूज को फायदा हुआ। गुड न्यूज का तो वैसे भी हिट फिल्म है, सुपर हिट फिल्म है, तो अगर अगर इंडियन फिल्मों का शो होता तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पीपल वांट टू वॉच गुड न्यूज, दे वांट टू वॉच गुड न्यूज। अभी आने वाली फ्राइडे तो ऑब्वियसली बड़ी फिल्में लग रही है, तो गुड न्यूज पर कितना असर पड़ सकता है इसका? अरे थोड़ा स्क्रीन्स कम हो जाएगी गुड न्यूज के, क्योंकि तानाजी बहुत बड़ी पिक्चर है, अजय देवगन बहुत बड़े हीरो है, और गॉड ऑफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री रजनीकांत की भी फिल्म है दरबार और चपाकारी, तीनों को ये स्क्रीन डिवाइड हो जाएगी, तो गुड न्यूज के स्क्रीन कम हो जाएगी, लेकिन आई एम श्योर इट विल टच 200 crores। क्या बात, फोर्थ वीक शुड cross 200 crores and we'll be back to do the review once if it touches 200 crores, but for the moment Bobby ji, any final words? The good news would definitely cross 200 crores. Okay, Bobby ji saying 200 crores. Anyways, thank you Bobby ji, thank you.